मैं भी उसका पीड़ित हूँ। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रुका हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रुका हुआ है, 8000 करोड़ से ज़्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना, उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईडी की तरफ से, क्या कुछ दलीलें रखी जा रही कोर्ट के अंदर। सबसे पहले आपको ये बता दें, उन्होंने कहा शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, गोवा का जिक्र भी किया गया, गोवा चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया जो शराब घोटाले में इस्तेमाल हुए हैं। अब लगातार ईडी की तरफ से ये दलीलें इसीलिए दी जा रही हैं ताकि 10 दिन की रिमांड जो है, जो ईडी मांग रही है, वो बकायदा दी जा सके। इतना ही नहीं, ईडी ने ये भी कहा कि देखिए ये सब हमारे पास सबूत है लेकिन हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रांत लगातार बने हुए। विक्रांत, और क्या जानकारी अंदर से? देखिए, इस मामले में एएसजी ने ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की बात की थी और इस बयान की से उनकी पुष्टि भी होती है, क्योंकि जो रुंगटा है राघव रुंगटा, उनके बयान का हवाला दिया गया है और उसमें ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। जो मुंगटा पिता पुत्र हैं, दोनों ने अपने अपने बयानों में इस बात की तस्दीक की है। इसके अलावा एसवी राजू ने सारथ रेड्डी, उनका भी बयान पढ़ा जो इस मामले में अब सरकारी गवाह है, और ये उनके बयान के मुताबिक केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर विश्वास रखने को कहा था और ये कहा था कि विजय नायर जो भी बात कहे वो आप कीजिएगा। इस समय एसजे राजू ने कहा है कि 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, एक बार बुच्ची बाबू के जरिए 10 करोड़ रुपए और उसके बाद दोबारा 15 करोड़ रुपए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे और ये भी कहा है कि गोवा के चुनाव में करीब 45 करोड़ रुपए जो इस किकबैक में मिला उसका इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल विक्रांत, एक बार दर्शकों को ये बता भी देते हैं कि आखिर देखिए दलीलें क्या कुछ दी जा रखी हैं। एएसजी राजू ने कहा कि देखिए 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया है बची बाबू के जरिए, पहले 10 करोड़ का और फिर 15 करोड़ का। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे, विजय नायर केजरीवाल का बहुत करीबी बताया जाता है और ईडी ने कहा कि गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है। मेरे सहयोगी विक्रांत लगातार बने हुए। विक्रांत, एक एक आंकड़ा जो है ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि आखिर किसको कितने पैसे दिए गए, और इस बात का भी जिक्र किया गया कि पंजाब और गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल चाहते थे कि फंडिंग की जाए। देखिए, बिल्कुल, अभी क्योंकि उसे रिमांड लेना है ईडी को और ये पता है ईडी को भी कि अभी वो उसके पास जो प्राइमा फेसी चीज़ें सामने आई हैं उसको सब्सटेंशिएट उसे बाद में करना पड़ेगा, ट्रायल में इन सब चीज़ों को साबित करना पड़ेगा। अभी वो केवल वो चीज़ें बता रही है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास प्राइमा फेसी है, सबूत है, जो जानकारियाँ सामने आई है उन चीज़ों को साबित उन्हें ट्रायल के दौरान करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो ये तमाम बयान, क्योंकि आरोपियों के बयान हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ईडी के हाथ लगी थी, इन सब चीज़ों के आधार पर वो
रिमांड लेना चाहती है और उसके रिमांड का आधार भी है कि एक बार उन्हें रिमांड पर लेकर इन सब चीजों को कोरेबरेट किया जाएगा और उसके बाद जब मामले की चार्जशीट दाखिल होगी तो इन सब चीजों को उसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता है। गोवा के चुनाव के लिए पैसों की फंडिंग की गई थी। लगातार मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, एक वर्ड का जिक्र बार बार ईडी की तरफ से किया जा रहा है। ईडी ने कहा है कि किकबैक में 45 करोड़ गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए। ये किकबैक का मतलब क्या है, आसान शब्दों में जरा दर्शकों के लिए समझाइए। देखिए, लगातार जो ईडी है वो यही आरोप लगा रही है कि जो पैसा मिला है उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है और अब वो कोर्ट में उस पर बात चल रही है। जो ईडी के वकील हैं वो जिरह कर रहे हैं और 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी की तरफ से मांगी गई है। इसको लेकर जो दलीलें हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरुआत में वो अलग अलग तरीके से दी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि जितने भी रेड अब तक जितने भी नेताओं के पास मिले हैं एक भी पैसे का सबूत जो है वो नहीं मिला है। अब ईडी रिमांड मांगेगी और जो दलील इसके पक्ष में रख रही है देखना होगा कि जो 10 दिन की रिमांड मांगी है कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है और किस तरह से पूछताछ में जो साउथ लोबी का बार बार जिक्र आ रहा है क्या कुछ कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा उसके बाद क्या कुछ दर्शकों को देखिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर सुनवाई चल रही है, ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ली जाए और उसको लेकर दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें ईडी ने कहा है शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधे भूमिका थी, शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई है, यानी कि सिसोदिया का जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, गोवा चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया गया है और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा है। ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही है ताकि 10 दिन के रिमांड जो है की जा सके। हालांकि आंकड़ों को लेकर लगातार बात कही जा रही है। विक्रांत मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, एक बार फिर से जो जानकारी अंदर से है कि ईडी ने इस बात का जिक्र किया है कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 से 2022 के चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल किया था, जो चुनाव गोवा में हुए थे। देखिए, बिल्कुल तमाम चीजों की जानकारियां एसजे राजू की तरफ से दी जा। मोदी पत्रिका क्या कसूर है जी? तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। सीबीआई की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं हर जगह मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 MLA हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना, फिर वो तो पता ही होगा ना, ये डेमोक्रेसी है। फिर कैसे गिन रहा था वो? 36 वोट गिनने थे, 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे। कैसे गिन रहा था? ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहाँ है वोट, ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए और पहली बार हुआ है।